एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? कमेंट सेशन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ पर थोड़ी सी एनर्जेटिक भी हूँ। तो गाइस, हम लोग जा रहे हैं तिरुपति, तिरुपति टू चेन्नई, चेन्नई के बाद महाबलीपुरम। वो सब हम लोग घूम के आएंगे। एक हफ्ते की लीव में है, क्रिसमस हॉलीडे मना रहे। और ये थर्सडे का क्लिप है। थर्सडे को इवनिंग हम चेन्नई पहुँच गए थे। फ्राइडे को भरत लिखित दोनों का मुंडन था। मुझे उससे पहले भरत को एक बार लड़की बनाना था और लिखित को भी लड़की के कपड़े पहनाने थे मुझे, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं लड़की के कपड़ों में मेरे बच्चे। और लड़की नहीं है ना तो क्या करें, ऐसे ही लड़कों के साथ ही खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए, भरत रूही का ड्रेस पहना है और लिखित ने भी रूही के ही कपड़े पहने हैं, जो कि बहुत ही बड़ा था, 3-4 साल के बच्चे का कपड़ा है, इसलिए लिखित को आराम से आ गया। तो कैसा लग रहा है क्यूट भरत, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को पता है इंडियन क्रश मॉन्टी रॉय, मॉन्टी रॉय को भूल जाएंगे लिखित को देख के, कितना क्यूट लग रहा है। कोई भी नहीं बोलेगा कि ये लड़का है, मतलब पूरा का पूरा हमने उसको लिपस्टिक बिंदी सब पायल सब पहनाए और बहुत ही क्यूट लड़की लग रहा है लिखित को। मोस्टली हम लोग लड़की इसलिए बनाते थे बचपन में भी, कपड़े इसलिए पहनाते थे लड़की के, क्योंकि लिखित के पापा को हमेशा एक लड़की ही चाहिए थी। पर क्या करें, लड़की हमारे नसीब में नहीं है इसलिए। तो कैसे लग रहे हैं मेरे क्यूटीज़ बेबी गर्ल्स, बताइएगा। तो नेक्स्ट डे फ्राइडे को मॉर्निंग जल्दी जल्दी तैयार हुए और हम निकले हैं तिरुपति के लिए। लोकल ट्रेन में जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही पास है वहाँ से, चेन्नई से तिरुपति हमको 2 घंटा लगा है। और ये देखिए, रूही अपनी अम्मा के पास, मतलब अपनी नानी के पास रूही ज़िद करती है मुझे गोदी लो। और यहाँ भरत सो रहा है, लिखित भी सो रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा है ट्रेन चढ़ते ही पता नहीं कहाँ से इनको नींद आ रही है। और दीदी वीडियो ले रही है और वीडियो में मुझे कैप्चर करके बोलती है, देख तू कैसी दिख रही है। हम लोग ऊपर बैठे ना क्योंकि नीचे प्लेस नहीं था और ऊपर फ्रीली बच्चे सो भी सकते, इसलिए हमने अपर बर्थ में बैठे थे। तो वहाँ से तिरुपति जाने के बाद बहुत सारा मज़ा भी आया, थोड़ा टेंशन में थे। और देखे, मैं कान का लगाना भूल गई और मेरे जीजू ने फूल खरीद के दिया, तो फूल भी लगाया हमने। तो कैसे लग रही हूँ पता नहीं, कान के कैसे भूल जाती हूँ। और यहाँ भरत सो के है अच्छे से, मतलब जब से हम चढ़े थे तब से सोया ही है और जब से हम चढ़े हैं रूही अपनी नानी के पास ही है। और उधर देखिए लिखित भी बड़े आराम से, बड़े आराम से सो रहा है। मैं चेन्नई से आने के बाद ये वीडियो को एडिट कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग किस में बैठे हैं पता है, वो जो आता है ना सीनियर सिटीज़न वाली गाड़ी, या फिर जो फिज़िकली हैंडीकैप लोग होते हैं उनके लिए। हमारे पास बच्चे थे इसलिए हम लोग उसमें बैठे हैं। और पर हेड ये चार्ज करते हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, और 10 रुपीज़ चार्ज करते हैं। तो फ्रंट में मम्मी लिखित बैठे थे, बैक में मैं रूही भरत बैठे। तो ये देखिए, यहाँ पे लिखित, हमने थोड़े बहुत लगेज भी ले लिया था जबकि लगेज वहाँ पर अलाउड नहीं था। तो आप लोग देखिए, ये वाली गाड़ी में हम लोग बैठे हैं। और ये देखिए रूही भी, मज़ा है, मतलब बड़ा मज़ा है, मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी हूँ। आप लोग में से कितने लोग बैठे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ से कौन इतना, मतलब सामान भी था बच्चे भी थे, कौन पैदल आया रहता है, इसलिए हम लोग उसमें आ गए। और फिर मेरे जीजू और भैया पैदल आ रहे थे, उनका वेट कर रहे थे। तो देखिए सुबह हम लोग 10 बजे पहुँच गए यहाँ से। अब हम लोग बस पकड़े और जाने वाले हैं ऊपर। अभी हम तिरुपति में उतरे हैं, तिरुपति से तिरुमला जाना है, यानी 7 पहाड़ है वो चढ़ के जाना है। तो मैंने कहीं भी वीडियो को फास्ट करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि ताकि आपको भी पहाड़ का लुक अच्छे से मिल सक दिखा सकूँ। और ये देखिए, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है बुड्ढी का बाल। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और वहाँ से जीजू हम लोग को बुड्ढी का बाल ख़रीद के दे रहे हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है, आप में से कितनों को पसंद है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं मेला जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, अगर मुझे बुड्ढी का बाल दिखता है तो मैं ज़रूर खाती हूँ। तो हमारी बस स्टार्ट हुई है। यहाँ से जाने के लिए हमको कितना टाइम लगा है, एग्जैक्टली टाइम किसको याद है, पर जितने ज़्यादा क्लिप्स नहीं लिए, जितने भी लिए सब आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। और यहाँ से जो पैदल जाते हैं ना उनको टिकट मिलता है। तो मेरे हस्बैंड पैदल आए थे, वो बैंगलोर से तिरुपति डायरेक्ट आए थे। मेरे हस्बैंड 7 जो पहाड़ है वो पैदल चल के आए हैं।
तो मैंने कहा आप मेरे बदले आप ही चलो, हम दोनों एक ही है। तो वो से पहले बहुत ही पहले पहुंच चुके थे, वो जब तक हम लोग स्टार्ट हुए थे नीचे से तब तक मेरे हस्बैंड ऑलरेडी ऊपर आधे रास्ते तो पहुंच ही गए थे। यहाँ कहीं ऐड करूँगी, मेरे हस्बैंड जब आधे रास्ते पहुँचे कितना थक गए थे, चढ़ने के लिए भी शायद से कितना 1-1.5-3 घंटा तो लगता ही होगा अगर पैदल भी जा रहे। तो हम लोग यहाँ पे पंजाबी ढाबा जो है ना वहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता किया है, और उतना खास तो नहीं था पर अच्छा ही था। तेलुगु लोग ही थे, जस्ट क्या कहते हैं लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तो हमारी बस स्टार्ट हुई यहाँ से और हम चले तिरुमला ऊपर की तरफ। और आप यहाँ देखिए बादल कितना 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 सुंदर है, मतलब स्काई पहाड़ सब बहुत ही मस्त लग रहा है। तो यहाँ से थोड़ी सी टर्न लेके पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ टिकट लेने गए थे, सॉरी टिकट लेने के बाद यहाँ पे टिकट लेने के लिए रुकी है बस, फिर टिकट लेने के बाद वहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ स्टार्ट होंगे। तो मम्मी हम सब बात कर रहे थे, फिर बीच में एक बार बस उतार देते हैं क्योंकि बैग की चेकिंग होती है, इंसानों की चेकिंग होती है, कहीं हम कुछ लेके तो नहीं जा रहे। और यहाँ पे भरत को मिल गए उसके दो नए फ्रेंड, तो वो पीछे से उनको बुला रहा है। लड़कियाँ थी बड़ी कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी। और फिर अब हम स्टार्ट हो रहे हैं पहाड़ चढ़ने के लिए। तो पहाड़ में भी बहुत ही अच्छा लुक मिलता है, मैंने बहुत जगह कैप्चर करने की कोशिश की है खाई पर नहीं मिला मुझे कहीं भी खाई को कैप्चर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे टिकट चेकिंग होती है और यहाँ से फिर हम लोग टिकट चेक होने के बाद स्टार्ट हुए। और आप देखिए पहाड़ कितने मतलब कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना पहाड़, देखा कितना मस्त, एक नंबर ना। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। तो आप लोग वीडियो एंजॉय करते रहिएगा और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर लीजिएगा, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप लोगों को एक इंसिडेंट बता देती हूँ, हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट लिया था तो हमारे दर्शन का 300 रुपीज़ पर टिकट लगा था। और मेरे हस्बैंड टाइम पे प्लान बनाए थे कि वो आएंगे, तो उनको ऑनलाइन रिजर्वेशन का नहीं मिला, वो नॉर्मली दर्शन के लिए गए। तो क्या हुआ, हमने एक ही लॉकर लिया था मुंडन वगैरह करने के बाद, लॉकर में सभी के बैग मेरे हस्बैंड के हमारे सभी के बैग्स हम लोगों ने रखे और हम चल दिए दर्शन के लिए। हमारा ऑनलाइन दर्शन था तो हमको इतनी भी फ्री मतलब फ्री में नहीं हुई दर्शन, बहुत ही रश था, बहुत ही रश था बच्चों के साथ। लोगों को थोड़ी सी समझ भी नहीं होती है कि छोटा बच्चा है धक्का मुक्की नहीं करना है, जितनी जल्दबाजी उनको भगवान के दर्शन की होती है जैसे दर्शन हो जाता है उतनी ही जल्दबाजी बाहर आने की होती है। तो बहुत धक्का मुक्की भी हम लोगों ने खाए हैं, इतने इजीली नहीं होता है ऑनलाइन दर्शन में भी, हमारे साथ तो नहीं हुआ था। शायद से क्रिसमस हॉलीडेज़ थे बच्चों को तो शायद सब जन आ रहे थे, इसलिए हम लोग सैटरडे को नहीं गए थे, सैटरडे संडे वीकेंड्स को क्योंकि बहुत रश होती है। तो हम लोगों ने सभी का लगेज एक ही इसमें रखा, हमारा दर्शन जल्दी हो गया और हमको 6-6:30 बजे निकलना था जबकि हमारा 5 बजे तक दर्शन वगैरह हो गया था। 6:30 बजे भी हम लोग निकलते घर तो हम आराम से पहुंच जाते रात के टाइम पे 8-9 बजे तक घर, पर मेरे हस्बैंड का लगेज हमारे पास रहने के कारण, उनका नॉर्मल टिकट होने के कारण दर्शन उनका इतना लेट हुआ है कि हमें उनका वेट करना पड़ा। और हमें मतलब कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरे जो घर के चाबी, मेरे हस्बैंड का पर्स, मोबाइल चार्जर ये सब बैग में था, हम किसी के पास बैग दे भी नहीं सकते थे या फिर लॉकर में लॉक करके चाबी भी किसी को नहीं दे सकते थे क्योंकि भाई ये तिरुपति है तो तिरुपति इतना सेफ नहीं है आपके वैल्यूएबल्स के लिए, बहुत चोरी होती है, बहुत हद से ज़्यादा चोरी होती है। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था हमारे फैमिली में, मेरी मामी का मतलब बाजू से उन्होंने सोने, हमारा जो साउथ इंडियंस के जो मंगलसूत्र होते हैं वो सोने के चेन में होते हैं पूरा, तो वो निकाल के लेके चले गए थे। तो इतना सेफ नहीं होता है तिरुपति में, बहुत ही चोरी होती है। तो जब आप नेक्स्ट जाए तो ध्यान से जाइएगा तिरुपति में, अपने वैल्यूएबल्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाइएगा, अगर ले भी रहे तो उसको अच्छे से सेफ रखने की कोशिश करिएगा क्योंकि ऐसे पलक झपकने में चोरी हो जाती है, इतने चोर भरे हैं तिरुपति में।
तो इसलिए हम फिर बहुत देर वेट किया। हम लोगों ने 6 बजे से, मतलब 5 बजे से ऑलमोस्ट, हम लोग कितने बजे तक वेट किए, 7:30 बजे तक हज़ारों कॉल किया। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन लॉकर में रख दिया था, तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। और इतने टेंशन में थी मैं कि मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। तो हम लोग लॉकर के पास ही उनका वेट कर रहे थे। और आप लोग देखिए, आप क्लियर भी नहीं आ रहा था, बहुत कोशिश की पर वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। तो फाइनली मेरे हस्बैंड को मैंने मैसेज किया कि अब हम जा रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं, आप डायरेक्ट चेन्नई आके अपना बैग कलेक्ट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड को वर्क पे भी जाना था। वो रात को निकलते, सुबह पहुँचते, और सुबह 8 साढ़े 8 बजे वो वर्क पे चले गए रहते। तो मैंने उनको कहा आप चेन्नई आ जाओ, फिर आप वहाँ से चले जाना। फिर मेरे हस्बैंड बहुत देर वेट करने के बाद हम निकले, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, डांटेंगे डांटने दो, कुछ भी हो, बच्चों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी इसलिए हम निकले। हम लोग जस्ट लॉकर से हमारे सामान लिए और बाहर आए। थोड़ी जस्ट 10-15 कदम दूरी पे आए, मेरा फ़ोन रिंग हुआ। और मुझे, मतलब जैसे मेरा फ़ोन रिंग हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई कि क्योंकि मुझे पता था वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन है, मुझे कोई कॉल नहीं करेगा। मैंने फट से मेरे हस्बैंड को कॉल किया और बताया हम वहीं पे हैं, आप आओ। अच्छा हुआ हम जस्ट अब भी सामान लेके बाहर आए हैं, और आप जल्दी से आओ, आपके सामान देते हैं और हम लोग निकलते, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। हम लोग तो टायर्ड होते हैं, हमसे ज़्यादा बच्चे टायर्ड हो जाते हैं। तो फाइनली मेरे हस्बैंड आए, उसके बाद हम लोग सब साथ में निकले बस में। हम लोग डायरेक्ट चेन्नई के लिए बस देख रहे थे, जो कि हमें नहीं मिली। तो हम लोग को फिर तिरुमला से तिरुपति आना पड़ा, और फिर वहाँ से हम लोग फिर चेन्नई के लिए बस पकड़े। तो वो भी आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ था। पहले हमको बस नहीं मिली डायरेक्ट, फिर हम लोग, मेरे हस्बैंड, हम लोग सभी जन साथ में ही और नीचे की तरफ, मतलब तिरुमला आने के, तिरुपति आने के लिए बस पकड़े और आए। और हाँ, मैंने मुंडन के बारे में तो आप लोगों को बताना ही भूल गई, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हैं ना, ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। अभी बस ऊपर की तरफ ही जा रही हूँ और आपको एकदम स्लो मोशन में दिखा रही हूँ कि, तो तिरुपति का नया रूल आया है कि एक्चुअल में क्या होता है ना, जो ये करते हैं मुंडन करते हैं, वो लोग डिमांड करते थे पहले, हमें इतने पैसे दो, झगड़ा करते थे, चिल्लम चल्ली करते थे अगर उनको उतने पैसे दिए नहीं गए तो। और वहाँ पे क्लियरली बोर्ड भी लिखा था कि उनको पैसे नहीं देना है, उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है तो उनको हम एक्स्ट्रा भी कुछ भी दक्षिणा या कुछ नहीं देना है, पर वो लोग मानते नहीं थे उस चीज़ के लिए। उनको कंपलसरी चाहिए तो चाहिए, डिमांड करते थे। तो जैसे ही अभी गवर्नमेंट बदल गई है, एपी की गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जो मुंडन के भी जो रूम्स है ना, हर रूम में कैमरा लगा दिया गया है। और जैसे कैमरा लगा दिया गया है, अब उनमें थोड़ा सा डर बैठ गया है पैसे मांगने के लिए, तो अब वो डिमांड नहीं करते। और पर ये भी नहीं है कि अब वो लेते नहीं हैं, वो अभी लेते हैं और कहते हैं कि कैमरा को नहीं दिखे, आप चुपचाप से यहाँ रख दो, ऐसे करके वो लेते हैं, नहीं लेते हैं। अभी भी लोग सुधरे नहीं हैं, जब तक उनको अच्छी सुधारने के लिए, मतलब मैं तो मेरे हस्बैंड को कह रही थी कि एक ऐसा होना चाहिए कि उन लोगों ने जितना पैसा लिया है लोगों से, पर्टिकुलर पर्सन ने महीने में, उतना पैसा उनके सैलरी से कटे। फिर अगर उन्होंने अपने सैलरी से पैसे ज़्यादा कट लिया है तो उनका नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ सैलरी कटे, तब इनको दिमाग आएगा कि इस चीज़ के लिए नहीं लेना चाहिए पैसे। तो बहुत पैसे डिमांड करते हैं वो, मतलब तो कैमरा लगने के कारण अब तो वो पैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं नहीं, पर वो जो हम वीडियो लेते हैं बच्चों का पहला मुंडन का, वो भी उन लोग मुंडन के वीडियोस नहीं लेने देते। पर रूही का पहला मुंडन था और मुझे थोड़ी सी क्लिप चाहिए थी, क्योंकि लिखित और भरत दोनों के मुंडन का क्लिप मेरे पास है पर रूही का नहीं है, तो इसलिए मैंने चुपचाप से वीडियो क्लिप लिया है, उनको बिना बताए लिया है। तो यहाँ पे देखिए, रूही अपनी अमामा के गोदी में, एक्चुअल में बुआ के गोदी में बैठ के लेते हैं, तो रूही को बुआ नहीं है इसलिए रूही अपने नानी के गोदी में बैठ के ये कर रही है। तो हम रूही के मुंह में, मतलब वो भगवान जी का ये है वो डाल रहे थे, तो चुप बैठ रही थी।
नहीं तो क्या होता है, अगर बच्चे हिलते हैं ना तो कट्स आ जाते हैं। देखिए रो रहे हैं, लिखित भी बहुत रोया था, भरत भी अपने फर्स्ट मुंडन में उतना नहीं रोया पर रोया है। उसको बॉटल दिए तो चुपचाप बैठा है। भरत मेरे गोदी में बैठ के उसका मुंडन हुआ था, ये भरत का सेकंड मुंडन है। तो जब मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, हम हमारे हस्बैंड का वेट कर मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे, तो हम यहीं पे बैठे थे। तो वेट करते करते फाइनली हम निकले। उसके बाद कोई वीडियो लेना नहीं हुआ और फिर हम लोग बहुत लेट पहुँचे। हमारी जो लास्ट लोकल थी वो छूट गई, बस से हम लोग तिरुवल्लूर गए थे। फिर वहाँ से हमको घर जाना था, दीदी के घर चेन्नई जाना था, तो हमको रात की लोकल छूट गई। फिर हम लोगों ने वहाँ से कैब लिया, बहुत मतलब ये हुआ, फिर हम फाइनली घर पहुँच ही गए। तो ये था मेरा छोटा सा तिरुपति वाला ब्लॉग। होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट। तो गाइस जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब तिरुपति जाए तो ध्यान से जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट ट्रिप टू महाबलीपुरम। बाय बाय।